सब्सक्राइब करें इसे टेलीकॉम, दबाएं सब्सक्राइब बटन और साथ में दबाएं रिंग बेल। अगर आप रिंग बेल दबाते हैं तो आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इसे टेलीकॉम आपका चैनल। दोस्तों आज जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा रेडिएशन के बारे में कि हमारे मोबाइल फोन में से रेडिएशन कैसे फैलता है और उसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। दोस्तों आपने कई बार न्यूज चैनल या कई बार बहुत सारे वीडियो में ये देखा होगा कि हमारे मोबाइल फोन हमें ज्यादातर कान पे नहीं लगाना चाहिए, हमें अपने पास ज्यादा हम दिन रात बात करते हैं तो उससे कई बार तरह की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली ऐसा क्यों कहते हैं और वो ऐसा कैंसर होता है तो वो कारण क्या होता है उसका। दोस्तों क्या होता है कि आपके जो मोबाइल होता है या हम बात करें वो कोई सा भी डिवाइस जो नेटवर्क को आदान प्रदान करता है, फॉर एग्जांपल हमारा डिवाइस में दोस्तों एक एंटीना लगा होता है, तो टेक्निकल फॉर्म में बात करो दोस्तों तो वो एंटीना में दो सब सेक्शन काम करते हैं, एक आरएक्स और एक टीएक्स। आरएक्स मतलब रिसीविंग, जो आपके कॉल को रिसीव करता है टावर से, और टीएक्स मतलब ट्रांसमिटिंग, जो आपके कॉल को ट्रांसमिट करता है टावर पर। तो दोस्तों इस दौरान जो कॉल को रिसीव और ट्रांसमिट करता है वो होती है वेव्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है जो टावर बेस स्टेशन से किसी दूसरे टावर से लेकर वो आपको देता है। तो दोस्तों वो जो फ्रिक्वेंसी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी होती है वो एक तरह की पावर होती है, वो एक तरह की एनर्जी होती है जो 100% टावर से निकलती तो है पर 80% ही पहुंच पाती है, पर जो 100% टावर से निकलती तो है बट 80-90% ही आपके मोबाइल तक पहुंच पाती है, 10 पावर वो अपने ही आसपास के क्षेत्र में रह जाती है। तो वो बेसिकली होती है रेडिएशन। तो दोस्तों हर रेडियो फ्रिक्वेंसी से एक रेडिएशन निकलती है, हालांकि जितने भी टावर लगाए जाते हैं वो सब टेस्टेड होते हैं, उनकी आने वाली रेडियो फ्रिक्वेंसी भी एक लिमिट में नापी जाती है कि इतनी लिमिट के ऊपर आप उस फ्रिक्वेंसी को नहीं ले सकते, उससे ज्यादा रेडिएशन फैलता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि घरों के ऊपर टावर नहीं लगाने चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि यही जो फ्रिक्वेंसी है आपके मोबाइल में भी आती है, तो इसलिए हर मोबाइल का एक दोस्तों एक साल लेवल होता है उस फ्रिक्वेंसी को नापने के लिए। तो दोस्तों सार जो सार होता है उसका फुल फॉर्म होता है स्पेसिफाई अब्सॉर्प्शन ऑफ रेट, मी सार होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी के रेट को मेजर करता है। तो बेसिकली अगर हम सार लेवल की बात करें तो हर फोन का एक सार लेवल होता है जिसको दो तरह से नापा जाता है, एक बॉडी का अलग होता है दोस्तों और एक हेड का अलग होता है, क्योंकि ज्यादातर जो हम जो मोबाइल फोन यूज करते हैं वो हेड में यूज करते हैं और जो हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है तो जो हेड का जो सार लेवल होना चाहिए वो बॉडी की तुलना में कम होना चाहिए और जो बॉडी का होता है वो हेड की तुलना में ज्यादा होता है। दोस्तों हमारे मोबाइल फोन में जो सार लेवल की जो लिमिट होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मोबाइल उस रेडिएशन के कितने अंदर कितने बाहर है, क्या हमारा मोबाइल वो रेडिएशन फैला रहा है, क्या हमारे मोबाइल से हमें कुछ बीमारियां हो सकती हैं। तो दोस्तों उसको चेक करने के लिए आपको आपके मोबाइल का सार लेवल चेक करना पड़ता है जो कि 1.6 वाट, इंडिया की अगर मैं बात करूं 1.6 वाट आपकी टोटल एनर्जी जो हमारे दोस्तों बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उसका वो पर केजी के हिसाब से 1.6 वाट नापा गया है। तो ये 1.6 वाट से बिल्कुल अधिक नहीं होना चाहिए और जो कंपनियां अगर इस तरह के मोबाइल बनाती हैं जिनका साल लेवल 1.6 के अधिक होता है तो उनको इंडिया में जब हम बात करते हैं बैन होते हैं, तो उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर उनको मार्केट में बेच नहीं सकते हैं। दोस्तों यदि आपके फोनों का साल लेवल 1.6 से अधिक है तो आपको वो फोन तुरंत की तुरंत आपको नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल डिस्पोज कर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ परेशानी या कुछ ना कुछ कल को शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। इसको चेक करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, एक आपको USSD एक कोड डायल करना पड़ेगा जो कि जैसे कि हम IMEI कोड डायल करते हैं *#06#, वैसे इसका जो कोड होता है दोस्तों वो होता है *#07#। ये देखने के बाद में आपके पास में जो साल लेवल आएगा वो हेड का अलग आएगा और बॉडी का अलग आएगा। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं कोई भी डिवाइस, जैसे कि मैंने पहली बात कही थी कि ब्लूटूथ हो या वाईफाई हो या कोई सा भी जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं जो नेटवर्क फ्रिक्वेंसियों को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आदान प्रदान कर रहा है तो वो बेसिकली हर एक डिवाइस का एक सार वैल्यू होती है, और क्योंकि हम हर डिवाइस की सार वैल्यू नहीं नाप सकते क्योंकि उसमें कोई USD कोड नहीं डाल करने के लिए कुछ प्रक्रिया नहीं होती है, तो आपको अगर सार वैल्यू आपका अगर ब्लूटूथ डिवाइस जो हम कान में लगाते हैं या हम बात करें वाईफाई रूटर या वाईफाई डिवाइस तो उसका अगर आपको चेक करना है, जैसे कि एक लैपटॉप का भी दोस्तों क्योंकि वाईफाई उसमें वाईफाई इनबिल्ट होता है वो भी नेटवर्क का आदान प्रदान करती है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो उसका भी एक सार लेवल होता है पर
उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो आप उसको चेक कर सकते हैं उसके जो पैकेट होता है, जो उसका बॉक्स होता है, उसके स्पेसिफिक, या तो उसके साथ जो बुक आती है उसके बुक में उसके सार लेवल मेंशन होता है दोस्तों, या तो उस कंपनी की वेबसाइट में जाइए, उस प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन में जाइए, वहां पर जाके आप उस सार लेवल को चेक कर सकते हैं। अगर यूरोप की बात करूं दोस्तों, तो वो सार लेवल यूरोप में 2 वाट, तो अगर मैं यूएस की बात करूं तो उसमें भी 1.6 वाट सार लेवल एक लिमिट मानी गई है दोस्तों। तो उसके ऊपर या हम बात करें उसके बिल्कुल बराबर या उससे ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों। इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कि कैसे बचा जाए, क्या आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं सार लेवल से, कि क्या आप अगर तो मैं आपको इसके कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले ज्यादा कोशिश ये करें कि आप अपने फोन से ज्यादा बात ना करें, मतलब कान में रख के आप ज्यादा बात ना करें, आप फोन हेडफोन यूज करें दोस्तों। क्या होगा अगर आप हेडफोन यूज करेंगे तो आपका जो मोबाइल होगा वो आपके कान के पास ना होके आपकी बॉडी के कहीं के दूसरे पार्ट में हो सकता है, तो उससे क्या होगा आपके डायरेक्ट जो हमारी हेड होता है जिसका सार लेवल हमेशा कम होना चाहिए उस पर ज्यादा रेडिएशन की मात्रा नहीं जा पाएगी, जिस वजह से आप है जो भी आने वाली या जिसकी वजह से आप ये रेडिएशन से बच पाएंगे। तो दूसरा है वो दोस्तों, अगर आपको यूज करना है तो अगर आप एक सील्ड होती है प्रोटेक्शन सील्ड होती है EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी एक प्रोटेक्शन सील्ड होती है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आप इसको खरीद के अपने मोबाइल के पीछे स्टिकर जैसे आप उसको चिपका सकते हैं, तो ये जो सील्ड होती है एक तरह का एक कवर एरिया बना देता है जो आपके रेडिएशन की मात्रा को कम। दोस्तों अगर मैं आईफोन की बात करूं तो आईफोन का जो आईफोन 6 का जो सार लेवल है वो 1.58 वाट है, और जो आईफोन 6s प्लस का है वो 1.56 वाट है। और अगर भी आपको अपना सार लेवल चेक करना है तो जैसे कि मैंने बताया आप USSD कोड डायल कर सकते हैं, या आप अपने बॉक्स या उसके साथ आई बुक में वो सार लेवल को आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज पता होगी, ये आपको समझ में आया होगा, और आप सबने अपने मोबाइल का एक बार सार लेवल जरूर चेक किया होगा, और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ रहें और अच्छा जीवन की आपकी कामना करता हूं। और इसी के साथ मैं मिलते हैं किसी नए वीडियो पे, और लेके आऊंगा ऐसी कोई टेक ज्ञान आपके लिए और मोबाइल संबंधित और मोबाइल से जुड़ा हुआ जिससे आप खुद ना कुछ सीख पाएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Material free to watch only through my YouTube channel Asia Telecom. Watch as many times. Downloading and upload without permission is strictly prohibited. This video is for educational purpose and doesn't support any kind of unauthorized access to anyone's computer. We are not responsible for any kind of damage whatsoever. Claim. Do it on your risk. Yeah.